जैसा कि जानते हैं भाई कि आज 30 तारीख को बी की कैप अलॉटमेंट लिस्ट रिलीज होने वाली थी और बी फार्मेसी का सीट मैट्रिक्स और फाइनल मेरिट लिस्ट, लेकिन 6 बजे के ऊपर चले गए हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों में से कुछ भी रिलीज नहीं हुआ है। और खास करके इंजीनियरिंग जो बच्चे कैप अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे थे, जिसकी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भाई 6 बजे तक आपकी लिस्ट आ जाएंगी, लेकिन अभी तक ये रिलीज नहीं हुई। तो बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि डेट एक्सटेंड हुई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपकी डेट एक्सटेंड नहीं हुई। इसका मैंने जब कस्टमर केयर सर्विस से मैंने कुछ देर पहले बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि 8 बजे के बाद में आपकी कैप अलॉटमेंट लिस्ट लग जाएगी, 8 से 10 बजे के बीच में इसके लगने के चांसेस है। और रहा सवाल बी फार्मेसी का, तो जो बी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी 8 बजे के बाद ही लगेंगी और 8 बजे के बाद सीट मैट्रिक्स लगेगी। अब हो सकता है भाई कि पहले बी फार्मेसी की फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाए और उसके बाद में सीट मैट्रिक्स आए, इन दोनों का इनका शेड्यूल एक्सटेंड हो सकता है या नहीं। तो यहाँ 50% चांसेस है कि भाई इससे पहले भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 3 बार आगे बढ़ी, तो यहाँ पर ऐसे चांसेस हो सकते हैं। और कभी 12 बजे के बाद या फिर 12 बजे तक ये रिलीज़ होती तो इस ओके, 12 बजे के बाद भी रिलीज़ हुआ तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर सीधा फाइनल मेरिट लिस्ट कल रिलीज़ हुई तो आपका कैप राउंड का शेड्यूल आगे बढ़ सकता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता भाई कि 8-12 बजे से पहले ही आपकी बी फार्मेसी की फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएंगी। और जैसे ही मैंने कस्टमर केयर सर्विस से बात की, वैसे तो उनके वर्किंग आवर्स ख़त्म हो जाते हैं 7 बजे के बाद में, लेकिन फिर भी उनसे बात करने के बाद में मुझे पता चला कि 8 बजे के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लग सकती है। और सेम बी बीटेक वाले के जो बच्चे कैप राउंड अलॉटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं उनकी लिस्ट भी 8 बजे के बाद लग जाएगी, और जैसे ही ये रिलीज़ होंगे मैं तुरंत आपको इस चैनल के थ्रू अपडेट दे दूँगा। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।